अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, रेड वेलवेट केक की। इसी रेसिपी से आप कप केक्स भी बना सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज में से, और बहुत ही इजी है। घर के इंग्रीडियंट्स है ना, बटर यूज़ करना है ना बीटा यूज़ करना। मैं जब भी केक्स बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आपने हमेशा दो बैटर्स यूज बनाने हैं, एक ड्राई बैटर बनाना है और एक लिक्विड बैटर बनाना है। लेकिन इस वाली रेसिपी में तकरीबन हम तीन बनाएंगे, एक ड्राई बैटर बनाएंगे, एक लिक्विड और एक और लिक्विड बनाएंगे, विच इज़ लाइक हमारा जो बटर मिल्क है। हम सबसे पहले बटर मिल्क प्रिपेयर करते हैं। तकरीबन उसको 10 मिनट चाहिए होते हैं पैक होने के लिए। मैंने आधा कप दूध लिया है, साथ मैंने 1 टीस्पून जो है वो सिंपल व्हाइट वेनेगर लिया है। व्हाइट वेनेगर ना हो तो नींबू यूज कर सकते हैं। और इसको तकरीबन मैंने 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। ठीक है, सिंपल दूध को मैं 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। साथ में इसके अंदर ये डाल दूंगी वेनेगर, ठीक है, और उसको एक दफा हिला के और मैंने रख देना है साइड पे। अब ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही अंदर बटर मिल्क हमारा बन जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी, बाकी चीजों की भी आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं लिक्विड बैटर के ऊपर। लिक्विड बैटर में हमने क्या करना है, 2 अदर अंडे, आधा कप तेल, सिंपल घर का जो कुकिंग ऑयल होता है वो, तकरीबन हाफ अ टी स्पून मैंने लिया है वनीला एसेंस, और 1 कप शुगर। ठीक है, शुगर हमेशा लिक्विड बैटर में जाती है क्योंकि जब उसे बीट करना शुरू करते हैं तो वो लिक्विड ही हो जाती है। ये हो गया लिक्विड बैटर। ड्राई बैटर मेरे पास 1 कप जो है वो मैदा है, सिंपल फ्लार है। 1 टी स्पून मैंने लिया है सिंपल इंस्टेंट जो हमारे पास कॉफी होती है वो, अगर आपके पास कॉफी ना हो तो आप कोको पाउडर ले लीजिए। साथ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया और जरा सा नमक लिया है। मुझे जरा मीठों में जो हल्का सा नमकीन सा टेस्ट होता है मुझे वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लेती हूँ। दिस इज ऑप्शनल, लेकिन आप ले लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फूड कलर, फूड कलर की मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता सकती क्योंकि हर फूड कलर वेरिएट करता है। अब इसको हम जितना हमें जरूरत होगी, जितना हमें रेड चाहिए उतना हम कलर डालेंगे। ये टोटल इंग्रीडियंट है इंशाल्लाह जिसे हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बनाएंगे, यानी ड्राई बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल बड़ा बोल ले लिया है, साथ छन्नी ले रही हूँ। छन्नी के अंदर मैंने 1 कप जो हमने मैदा लिया था वो डाल दिया है, सॉल्ट चला जाएगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा जो हमने कॉफी ली है। कॉफी को जरा सा मैं हाथ से जो है वो क्रश कर दूं ताकि उसके ग्रेन्यूल्स बाद में बचे। इंस्टेंट कॉफी है जो हम लोग घर में कॉफी यूज करते हैं वो। अब मैं इसको छानूंगी, एक दफा छानना चाहिए, चार दफा छान ले, वैसे लोग बोलते हैं कि 3 दफा छानो ताकि जरा अच्छा सा जो है वो बड़ा फ्लफी सा केक बनता है। इट्स अप टू यू, कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं 3 दफा भी छान लेती हूँ, वरना फिर एक ही दफा छान लेती हूँ। सो इट्स अप टू यू। ये हमारा ड्राई बैटर बन गया, इसको थोड़ा सा मैंने कॉफी के क्रंचेस को कर दिया, जो नहीं हो रहे उनको मैंने हटा दिया। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से करना। ये हमारा हो गया ड्राई बैटर। जैसे ही हमारा ड्राई बैटर तैयार हो गया, अब मैं बना रही हूँ लिक्विड बैटर। तो सिंपल मैंने एक बोल ले लिया है, साथ उसके अंदर चला जाएगा ऑयल, एग्स, शुगर और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा जो हमने लिया है वनीला एसेंस। ठीक है, अब मैंने सिंपल, आप चाहें तो बीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू बी फैंसी, और सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहिए। सिंपल चीजें जब आप कर सकते हो तो क्या बात है। मैं सिंपल इसको विस्क करूंगी अच्छे से कि बस क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। यही काम आप बीटर से भी कर सकते हो, लेकिन ओवर बीट नहीं करना। ओवर बीट करेंगे तो केक के बैठने का चांसेस होते हैं। हमेशा आप जो है वो बटर को ओवर बीट करते हैं, ऑयल को ओवर बीटने की जरूरत होती ही नहीं है। जी, तो मैंने जो है वो उसको अच्छे से ऐसे व्हिप कर लिया है, देख सकते हैं कि अच्छी कंसिस्टेंसी है। अच्छा, मैं आपको शुरू में बताना भूल गई, मैंने कैस्टर शुगर ली थी। कैस्टर शुगर सिंपल ग्रेन्यूलेटेड शुगर जो आप घर में यूज करते हैं, उसको ग्राइंड कर लीजिए और वैसे उसको ग्राइंड करके रख ही लीजिए ताकि वो बड़ी आसानी हो जाती है। जब भी आपने बनाना, यू डोंट हैव टू डू इट राइट अवे, पहले से हो जाती है। अब मैं इसके अंदर ड्राई बैटर डाल रही हूँ। पूरा ड्राई बैटर हमारा चला गया है, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने बटर मिल्क लिया था। देख लीजिए उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, फटाफटा सा हो गया। दिस इज सिंपल बटर मिल्क। ठीक है, ये चला गया है। अगर बटर मिल्क ना, आप दही भी यूज करते हैं, 3 या 4 टेबल स्पून, दैट्स इट। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालू। अगर आपने पिंक वेलवेट केक बनाना है तो सिंपल आपने कम डालना है। ठीक है, फूड कलर कम डालेंगे तो पिंक हो जाएगा, जैसे मेरा अभी पिंक होना शुरू हो गया।
जब भी आप हाथ सर्विस करते हैं तो मशीन क्या करती है, मशीन भी हमेशा एक ही मूवमेंट में रोल करती है। तो आपने भी यही करना है। मैंने पूरा केक जो मैंने बैटर भी बनाया था, लिक्विड बैटर, मैंने उसको एक ही डायरेक्शन में चलाया था, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आप चलाना है ताकि वो बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी उसकी स्मूथ सी आ जाए और वो फूला भी रहेगा। इस स्टेज पे अगर आप इसको बेक करेंगे तो पिंक वेलवेट केक बन जाएगा। ये आप शॉकिंग हुए कि वेलवेट केक बन गया। इसी तरीके से मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी, तकरीबन हमेशा मेरी टूर से तकरीबन 2 बॉटल्स लग जाती हैं इसकी। लेकिन अगर आपके पास जेल वाला कलर हो, उसके तो बड़े अच्छे कलर्स आते हैं, तो आपने वो डालना है, वो बड़े अच्छे रहते हैं जेल कलर्स। मैं साइडों से उतार लूँ और बस इसको बीट करती जा रही हूँ। कोशिश करूंगी ये कोई कंसिस्टेंसी के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स ना हो और कलर भी अच्छा सा आ जाए। जी तो मैंने बैटर अच्छे से तैयार कर लिया, देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और मैंने तकरीबन 2 बॉटल्स अभी ऊपर 2 ही थी, दोनों ही मैंने उसके अंदर डाल दी हैं उसके बैटर में, और उसको अच्छे से स्मूथ सा कर लिया है, इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं है, ठीक है। साथ मेरे पास ये 9 इंच का पैन है, तकरीबन 1 बाल इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ ही मैं उसके अंदर ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल और डाल लूँ, और साथ ही मैं इसको ब्रश कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो यही काम जो है वो टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे से हो जाता है, जैसे ब्रश से पहले सब लोग किया करते थे, बस आपने वैसे ही करना है। बटर पेपर चाहिए तो बटर पेपर लगा लें, बटर पेपर इसके ऊपर लगेगा और फिर इसके ऊपर जो है ना आपका दोबारा से थोड़ी सी ऑयलिंग होगी। इट्स अप टू यू, ऑप्शनल है, लेकिन मैं यूजली लगाती हूँ, नॉन स्टिक पैन है, आराम से ये बेक हो ही जाता है। और हर वक्त हर एक के घर में बटर पेपर होता भी नहीं है, तो बेहतर है कि अगर आपके पास नहीं है, ना लगाए हैं, तो लगा लीजिए, इट्स अप टू यू। और मैं साइड्स को भी अच्छे से कवर कर रही हूँ ताकि जब ये राइज अप हो तो बड़ा अच्छा से हो जाए। कोई से भी शेप का पैन ले सकते हैं, छोटा बड़ा, 2 बैजेस में बनाना चाहें 2 बैजेस में बना लें, और हार्ट शेप का लेना चाहे हार्ट शेप का ले लें। ये अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, इट्स मोर लाइक अ डार्क शॉकिंग पिंक कलर है इसका। ये सारा मेरा जो है वो कलर इसके अंदर जा चुका है। गेट अ स्पैचुला फॉर दैट, ये सारा इसके अंदर चला गया है। और मेरा ओवन भी प्री हीट हो चुका है, तकरीबन मैंने 10 मिनट पहले, 12 मिनट पहले तकरीबन मैंने इसको ऑन किया था। अब प्री हीटिंग का तरीका ये होता है कि आपने जब उसको तेज़ आंच पे आप उसे प्री हीट कर लें ताकि वो जल्दी हो जाए। अपना हाथ थोड़ा सा अंदर रख के देखेंगे तो आपको वार्म्थ महसूस होगी विद इन 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर, तो समझ जाइए कि आपका जो है वो प्री हीट हो गया ओवन। अब इसको हम बेक करूंगी 180 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए। 180 डिग्री इज आइडियल टेम्परेचर आपके अवन का बेकिंग के लिए, ठीक है, जो आप केक्स वगैरह बनाते हैं। तो तकरीबन ये 45 मिनट्स के लिए बेक होगा। 30 मिनट्स बाद इंशाल्लाह फर्स्ट चेक करूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। केक जो है वो बेक हो गया था, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही क्लियर आया थे इसके जो हम लोग ने जब हमने प्रेक किया इसके अंदर टूथ पिक, तो बिल्कुल क्लियर आया। आपका भी ऐसा ही आना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ी देर और पका लें या फिर उसकी आँच थोड़ी सी हल्की कर दें। दूसरी बात ये कि जब भी आप केक बेक करें तो उसके बाद थोड़ा सा आप गैप देते हैं, यानी केक को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करते हैं। बेहतर है कि एक दिन पहले आप केक बेक कर लें, उसके बाद फिर आप जो है उसको असेंबल करें। सो केक जो है मैंने साइडों से हटा के देखा है कि आराम से जो है वो लूजन होना शुरू हो गया है, यानी कि बिल्कुल उससे अपनी जो ट्रे है वो छोड़ती है, फिर भी ठंडा होने के बाद वैसे ही वो छोड़ देता है। अगर केक नहीं निकल रहा हो तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दें तो इवेंचुअली वो निकल, देख लीजिए बिल्कुल आराम से इसके अंदर से निकल आ रहा है, बिल्कुल ठंडा भी हो गया रूम टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे फ्रॉस्ट। सिंपल फ्रॉस्टिंग का तरीका जो मैंने सीखा और सबसे ज़्यादा मुझे आसान लगता है करना, सिंपल आपने जिस डिश में इसको सर्व करना है, कोई फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोटेटिंग डिशेस की ज़रूरत नहीं है, आम जो घर की आपके पास कोई सी भी प्लेट होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ,
मैं इसको आप जो है एल्युमिनियम फॉइल की तरह स्ट्रिप्स काट के और साइडों से हम इसको लगा देंगे। इससे क्या होएगा कि जब हम केक को फ्रॉस्ट करेंगे तो हम बाद में इसको निकाल सकते हैं और हमारी जो डिश है वो रहेगी साफ। ठीक है जी, ये हमारी प्रिपेयर हो गई है डिश। अब से फिर मैंने इसको पैन से निकाल दिया है और इसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा इसका तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो। अच्छा, बाप पे डिपेंड करता है। मैंने बिल्कुल ही छोटी रेसिपी बनाई है, कोई लंबी रेसिपी भी नहीं बनाई, तो सिंपल मैं इसको हाथ रख के अंदाजे से काट दूँ। कोई से भी नाइफ यूज़ कर सकते हैं, ये जो सेट के साथ आ जाती है ब्रेड नाइफ, मैं वाली ब्रेड नाइफ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे और इसे रोटेट करते जाएंगे। अनइवन करता है, जैसे करता है, इट्स अप टू लाइक, कोई उसमें मसला नहीं होता। जैसा आप काट रहे हैं एज अ बिगनर, ऑल गुड। ठीक है जी, ये पहले वाली लेयर हमारी निकल गई, अंदर आ गया हमारा केक। इसको मैं हटा दूंगी, इसको पहले हम करेंगे फ्रॉस्ट, उसके बाद फिर वो डालेंगे। अभी भी हल्का सा गर्म है। एक दूसरी बात, जब भी आप केक के अंदर जो है कोई भी चीज़ लाइक फिलिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो अक्सर ये होता है हम घर में बनाते हैं और केक की लेयर्स अलग होना शुरू हो जाती हैं। वो लेयर्स इसलिए अलग होना शुरू हो जाती हैं कि हम उसको किसी भी चीज़ से वेट नहीं करते। अब वेट जो है, सिंपल मैंने दूध लेके उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल दी है। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क का पानी डाल सकते हैं, कोई सा भी सीरप जो होता है, पाइनएप्पल सीरप या पाइनएप्पल जूस, कोई सी भी जूस जो आपको पसंद हो, सीरप्स पसंद हो, वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये है कि दूध लिया, अंदाजे से आधा कप से भी कम होगा, और साथ में एक टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है शुगर, डिजॉल्व कर ली है। और अब मैं इसको अपने स्पंज को कर रही हूँ वेट। जब स्पंज होएगा वेट, तभी आप क्रीम इस पर स्टे करेगी और वो आपस में हिलेगा नहीं। अच्छे तरीके से आपने ना इसको डालना है और केक भी रहेगा मॉइस्ट, बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है पूरा आपका जो है ना दूध पी लें। ठीक है, थोड़ा सा बचा दूँगी उसके ऊपर जो टॉपिंग करेंगे उसके लिए। साथ सिंपल मैंने एक, आप कोई भी सभी चमचे ले सकते हैं, मैं आपको चमचे से बता दूँ, विप हुई हुई क्रीम है, विपिंग क्रीम आपको आराम से मिल जाती है, बड़ी अब तो कंपनीज आ गई हैं, तो आप कोई सी भी विपिंग क्रीम ले सकते हैं। और इसके बीच में आप जो मिल पैक वाली क्रीम आती है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, रैंडमली मैं इसके अंदर डालूँ, थोड़ा सा बचाऊँगी एंड के लिए। चमचे से कर रही हूँ, स्पैचुला अभी नहीं यूज़ करी, अगर आप चाहें तो स्पैचुला यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन हम बिल्कुल घर जैसा बना रहे हैं, घर के ओकेजन के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए आई डोंट नीड कि मैं कुछ भी फैंसी करूँ। और इसके इतने प्यारे, अगर विप क्रीम इतनी अच्छी सी विप हुई हुई होती है, तो फिर आपको कोई आइसिंग बैग की या फ्लावर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बड़ा प्यारा सा ये खुद ब खुद ही हो गया है साथ जो हमने केक लिया था। अब इसकी ट्रिक ये है कि आपका केक इस तरफ से हल्का सा बम होता है, तो हम हमेशा उल्टा रखते हैं केक को, रेस्टोरेंट वाले भी हमेशा केक को उल्टा रखते हैं, तो ये हाइट भी देता है और आपका बम भी ख़त्म हो जाता है जो केक के ऊपर। अक्सर आप देखेंगे जब केक का स्लाइस कटा होता है तो इस तरफ ज़्यादा क्रीम होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट दे वॉन्टेड टू हाइड जो भी इधर आपका बैलेंस हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं फिर से इसको, दूध का थोड़ा सा मटेरियल मेरे पास कम है, मैं और बना के और इसके ऊपर डालती हूँ। जी, तो मैंने इसको भी अच्छे से जो है वो मॉइस्ट कर लिया है, साथ में थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर और डालूंगी, थोड़ी सी ऊपर डालेंगे और इसी को उठा के थोड़ी सी साइडों में भी गिराते जाएंगे, ताकि हमारी साइड्स भी बड़े अच्छे से कवर होना शुरू हो जाए। देखते, बस मैं कोशिश करूंगी कि इसको रैंडमली पूरे केक को एक दफ़ा कवर कर दूँ बस। तो मैंने
मैंने इसके बाद एक रैंडम सा कोट कर दिया है, साइडें भी इसकी ढक दी हैं, जितना पॉसिबल हो सका मैं उतना इसको कर दिया है एक दफ़ा रैंडम सा कोट, ठीक है। अब इसे स्टेज पे मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन लाइक हाफ एन आवर के लिए, इतनी देर की बस ये क्रीम थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम जो भी चीज़ इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्रीम बेस से हटेगी नहीं। अगर आपने साथ ही साथ इस पर डिज़ाइन अप्लाई किया तो केक के ऊपर से क्रीम हटना शुरू हो जाएगी, तो वी डोंट वॉन्ट दैट। जब ये बेसिकली क्रम कोट कहलाता है, इसके ऊपर जब एक दफ़ा कोटिंग आ जाती है तो डिज़ाइन जो भी होता है वो उसके ऊपर स्टे करता है। आई होप आप लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ समझ आ रहा होगा। तो ये तकरीबन फ्रिज में जाएगा हाफ एन आवर के लिए, तकरीबन मैंने इसको जो है वो 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था, रैंडमली 25-30 मिनट्स ही हुए होंगे, थोड़ी सी हल्की भी हो गई चुए तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अच्छा ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। साथ ही अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फ्रॉस्ट कर सकते हैं, यानी कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, डिज़ाइंस कर सकते हैं। देखिए अभी भी थोड़ा सा ठंडा है और ठंडा नहीं हुआ इसीलिए उतर रहा है, इसीलिए इसको अंदर रखा था। खैर मुझे आप लोगों को शो करना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो आई जस्ट नीड टू वाइंड इट अप। तो मैं सारी क्रीम जो है वो इस तरीके से डाल रही हूँ और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से फैलाती जाऊँगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो पाइप भी कर सकते हैं, फ्लावर्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं, नीचे से उसका थोड़ा सा क्रम लेके और ऊपर क्रम कोट मतलब क्रम्स जैसे हम लोग डालते हैं रेड, वो भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखें वेलवेट रेड वेलवेट केक पे हमेशा वाइट का कंट्रास्ट जाता है, कभी भी ब्राउन का या ब्लैक का कंट्रास्ट नहीं जाता। तो बिल्कुल लाइटली हल्की आज जैसे कोई सी भी छुरी का बैग आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है या टूल्स नहीं है, बेकिंग टूल्स, यू डोंट नीड बेकिंग टूल्स, यू जस्ट नीड स्किल्स, ठीक है जी। अच्छा मैं आपको एक दो रैंडम डिज़ाइंस बता देती हूँ सिंपल। मेरे पास ये आम टेबल स्पून है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से लाइनें भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से फैलाते जाएं पूरे केक पे। तो ये आपका एक डिज़ाइन सा बन जाएगा, एक रैंडमली ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन जाएगा। बीच में आपको ये चेरी वेरी रख सकते हैं, फिर सबके लिए साथ आप इसको घुमा भी सकते हैं इस तरीके से। ऐसे करके आप इसको घुमा भी सकते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। इसकी साइड अभी हम एंड में कर देंगे, उसका मसला नहीं है। और साथ अगर आप चाहें तो इस तरीके से जो उठे उठे वाला डिज़ाइन होता है बड़ा अच्छा लगता है वो, मुझे पर्सनली वाला डिज़ाइन ये वाला बहुत अच्छा लगता है, हल्का हल्का, तो ये भी आप कर सकते हैं। सबके ऊपर का डिज़ाइन दे दिया है सिंपल, आप टी स्पून की मदद से बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। और साइड से मैं बस इसको जितना मैं कर पाऊँगी इसको स्ट्रेटन उतना करूँगी, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं बस, ज़्यादा उस पर आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा लगता है जब ये कटेगा इंशाल्लाह। बस मैं आपको ये थोड़ी सी इसका साइड करके दिखाती हूँ। जी तो मज़ेदार सा केक जो है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका लुक भी आया है। और मैंने कोई भी फैंसी टूल नहीं यूज़ किया, आपके सामने सिंपल घर के टूल्स से बनाया है। अगर आपके पास ये भी टूल्स ना हो तो सिंपल आप टी स्पून यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको उसको काट के भी दिखा दूँ, देख लीजिए कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट आपको लग रहा है। इंशाल्लाह टेस्ट में बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने जब भी इसको सर्व करना है, मैं तो बनाने के फ़ौरन बाद ही आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपने जब भी इसको सर्व करना है इसको थोड़ी देर तकरीबन फ्रिज में रख देना है। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, कोई भी सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो ज़रूर मुझे कॉमेंट्स कर दीजिए, या फिर कोई भी आपको को रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी हो तब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।